बिहार के जेलों में एक बार फिर से छापेमारी शुरू हो गई है। आज सुबह से ही लगातार छापेमारी की जा रही है। पहले सुबह से बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम जेल में पहुंचकर छापेमारी कर रही है। वहीं इस छापेमारी से पूरे जेल में हड़कंप मच गया है। अभी तो कैदियों की नींद भी नहीं खुली थी कि धड़ाधड़ पुलिस के जवान बैरकों में घुसकर कैदियों को चेक करने लगे। इस बीच बता दें कि कई जिलों से तस्वीरें सामने आई है। छपरा मंडल कारा की ये तस्वीर है जिसमें देखा जा सकता है कि कैदियों के बीच अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया है। बड़ी संख्या में जेल प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस के जवान धड़ाधड़ बैरकों में पहुंच गए और कैदियों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वहीं ये तलाशी अभियान लगभग 4 घंटे चला और सभी बैरकों को और एक एक कैदी को चेक किया गया। वहीं पुलिस पदाधिकारी और जिला प्रशासन के पदाधिकारी ने इसे रूटीन चेकिंग बताया है। उन्होंने कहा कि कैदियों के वार्ड की स्थिति, सीसीटीवी कैमरे की स्थिति, वार्ड में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को चेक किया गया। किसी भी तरह की आपत्तिजनक वस्तु जेल के अंदर से बरामद नहीं हुई है। गौरतलब हो कि समय समय पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह से जेल में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस छापेमारी दल में प्रभारी डीएम यजुवेंद्र कुमार पाल, कई थाना प्रभारी, डीएसपी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। ना इस तरह का कोई मटेरियल बरामद नहीं। जेल की व्यवस्थाओं से आप लोग संतुष्ट नजर आए हैं? जेल की व्यवस्था है, उसमें जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं और लगातार जो सुधार के लिए कैदियों के लिए व्यवस्था की जा रही है उसके लिए कार्य किया गया है। किचन है इत्यादि का निरीक्षण किया गया और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया गया। सीसीटीवी कैमरे के संचालन की स्थिति का जायजा लिया गया और जो भी छोटे मोटे समस्याएं हैं उसके संबंध में। इसके अलावा वैशाली, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, नवादा, मोतिहारी, लखीसराय समेत अन्य जिलों के जेलों में डीएम एसपी के नेतृत्व में एक साथ छापेमारी की गई। बात करें पूर्णिया सेंट्रल जेल की तो पूर्णिया सेंट्रल जेल में डीएम और एसपी ने छापेमारी की। बड़ी संख्या में पुलिस बलों के साथ अधिकारियों ने दबिश डाली जिससे जेल के अंदर हड़कंप मच गया। यह छापेमारी अचानक की गई। जेल के सभी वार्डों को खंगाला गया और तलाशी ली गई। छापेमारी करने वाली टीम में महिला पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में शामिल थी। इधर मंडल कारा हाजीपुर में भी बड़े ही जोर शोर से छापेमारी की गई, साथ ही लखीसराय के जेल में भी छापेमारी की गई। एसडीपीओ शिवम कुमार, एसडीएम चंदन कुमार के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है। सभी वार्डों की सघन तलाशी ली गई। कई थानों के थानाध्यक्ष समेत काफी संख्या में पुलिस बल इस छापेमारी में शामिल थे। वहीं भागलपुर और नवादा के जेल में भी छापेमारी के बाद कैदियों के बीच हड़कंप मच गया।